ठेका प्रथा पर कार्यकर्ता सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर मंगलवार को नगर निगम के मुख्य गेट पर बैठक कर प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों के सफाई कर्मी लगभग 50 की संख्या में नगर निगम का मुख्य गेट पर झाड़ू, बेलचा, भावड़ा और कूड़ा ट्राली के साथ इकट्ठा हुए और गेट बंद कर दिया। नगर निगम गेट के सामने सड़क पर कूड़ा गिराकर बैठ गए और प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का हंगामा घंटों चलता रहा। अंत में नगर मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर सभी सफाई कर्मी मुख्य गेट से उठकर नगर निगम पास में बैठे। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नगर निगम द्वारा कार्य पर लगाया जाए, ना कि ठेकेदारों के माध्यम से। ठेकेदार समय से भुगतान नहीं करते हैं और जो भी भुगतान करते हैं उसमें से 23 दिन की ही तनख्वाह देते हैं। समय से भुगतान न मिलने से हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सफाई कर्मी और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, इसी नाते आंदोलन हम लोग के खाते में अकाउंट चेक कराएं सर, पैसा नहीं आया। बताइए पिछली बार जो हम लोग बात हुई, देखिए पैसा नहीं आया। पिछली बार जो बात हुई यहाँ सर, पैसा नहीं पहुँचा। हम लोग राजू भाई नहीं बताया, हम बोले कोई चुप नहीं। बोलो आप सर, ये बताइए अगली बार सरकार के आप आपने फिर कहा केबिन में आप कौन लोग बात करो। हम लोग गए, आप भी कहते कि इस बार 10-15 लोग सुनिए। नहीं आपने कहा कि सैलरी आप तो टाइम से आ जाएगा। सर सरकारी लोग सफाई करते हैं ना, सफाई तो हम भी करते हैं, पर सरकारी लोग का सर बोनस एरियर सैलरी सब आ गया दिवाली का। और हम सारे भर त्योहार में झनक गए, रोटी नहीं था साफ, तो हम लोग त्योहार क्या मना। ये ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक सर, दूसरी बात सर, आप ही का बात मानकर हम लोगों ने सर वार्ड में लौट गए, सफाई किए कि साहब बोले हैं, फिर भी सर कोई सुना नहीं है। सीएम साहब जब आते हैं गोरखपुर में, कहे तो थे कि तुम लोग बताना हमको नहीं मिलेगा, तो आपसे सर कहाँ मिलेगा, आप बड़े लोग हैं साहब। सर एक बात सुन लीजिए, सीएम साहब जब आते हैं तो कहते हैं शहर में गंदगी है, सफाई नहीं हो रहा, लापरवाही है शहर के बारे में। हम लोग कहते हैं सर सरकारी सही कर्मचारी ठेकेदारी है, पर कर्मचारी ठेकेदारी में आते नहीं है, क्यों खाएंगे सर, कभी तो आएंगे हैं। और जो आता है सर वो रो कर काम कर चला जाता है। नगरा साहब बोले थे कि आप लोग काम कीजिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करूँगा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर बोले थे ठेकेदार मुंबई वाले कि आपको आई कार्ड देंगे, आपको जूता देंगे, आपको गलत देंगे। सर गंदगी हम लोग रखता है, हम लोग नहीं बीमार पड़ सकते हैं। अखिल सर बीमारी हम लोग होगा नहीं होगा सर, आप आते हैं ऐसे बंद कर लेंगे। हम लोग सर क्या हम लोग हम क्या बंद करें, ऐसे ही करना है तो काम कैसे करेंगे। इसीलिए सर शहर में सफाई की लापरवाही है,
इस अजमेर कोई और नहीं है। ठीक है ठीक है, कमजोर कभी ना हाथ चल लेते हैं ना पूछते कि कौन काम क्या कर रहा है, किसको क्या मिल रहा है, बस काम चाहिए काम चाहिए। नहीं पाते जीत जाएगा सस्पेंड करते हैं सुपरवाइजर को या तो इंस्पेक्टर को। कभी पूछिए कि इंस्पेक्टर नहीं ना काम करेगा, किस वजह काम करेगा, काम तो सर हम लोग करेंगे तो सर खाएंगे तभी तो करेंगे। हम चाहते हैं सर कितने महीने का वेतन, 3 महीने सर, 3 महीने चल रहा है। अब बताइए सर, बैठ लो वहीं बैठ लो, अभी आ रहे हैं ठीक है, बात कर लेंगे नगर आयुक्त साहब से। अभी यार नगर आयुक्त साहब से बात ही है, नगर आयुक्त से बात ही बैठ लो बैठ लो जाना सर। इस बार सर हम लोग सर एक बार किए रुक रहे हैं, एक बार सब हड़ताल किए हैं तो नगर सब बात की, हम लोग मान गए अपर साथ बात से। दूसरी बार किए आपने आया, हमने आपकी इज्जत रख लिया कि साफ बोलिए, पर इस बार सर हम लोग को मौखिक नहीं लिखित चाहिए। लिखित ही मिलेगा, ये चाहिए सर कि हम लोग को महीने के 5 तारीख के अंदर सर सैलरी आ जाए तो हम लोग बच्चे सब पढ़ सके। सुनो बैठ लो शांति पूर्वक काम करना है ना, बारह साल से सर काम ही ना कर रहे हम लोग। चलो चलो पालक में चलो साहब आ गए, कोई हल्ला नहीं, सामने साफ से बात हो गई। देखिए हम लोग कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, आज 2 महीने तनख्वाह नहीं मिला है, पर इस बार जाँच दिन कोई आस्था अधिकारी ना कोई अधिकारी कुछ कर पाया। और जब सीएम साहब आते हैं कहते सफाई नहीं है, सफाई कहाँ से होगी सर जबकि कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलेगा। जहाँ कर्मचारी 4 करते थे तो वहाँ कर्मचारी 5 हैं पर बिना तनख्वाह के हैं, इसलिए सर सफाई में कोई सुविधा सुधार नहीं हो पा रहा है। और सरकारी आदमी सर सरकारी होकर महीने में 4 दिन आते हैं, बाकी दिन सैलरी पाकर ऐश करते हैं। उम्मीद है बिना में 26 दिन तनख्वाह मिलता है हम लोग का, 30 दिन हम सब काम करते हैं, बताइए उसमें 4 दिन काट लेते हैं, 5,000 मिलता है, 5,800 हम लोग का तनख्वाह, 26 दिन का मिलता है, 30 दिन का होता है, 7,500 तनख्वाह है मूल, 7,500 तनख्वाह है मूल। कर्मियों के 3 प्रमुख मांगे हैं, एक तो वो चाह रहे हैं कि उनको ठेकेदार से मुक्ति दिलाई जाए और सीधे नगर निगम उनको संविदा के रूप में भर्ती करे, तो हम उनके प्रस्ताव को भी शासन को भेज दे रहे हैं। दूसरा, सभी कर्मचारियों का वेतन जो है माह सितंबर माह तक का उनको भुगतान किया जा चुका है, और अक्टूबर जो अभी आज 23 दिन है, ठेकेदारों को ये भी बोल दिया गया है कंपनियों को कि वो अक्टूबर का बिल भी जनरेट करें और दिवाली के पहले सभी को वहाँ पे उपलब्ध करा दें। इस वार्ड में भी इनका पैसा 1 माह का जो है पैसा एडवांस दिया जा रहा है, ठेकेदार को भी जो पिछले जिसने जिसकी शिकायत थी उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ पे इनकी मांग पे जो है ठेकेदार को ही बदल दिया जा रहा है। सर सफाई करने का कहना है कि 30 दिन काम करवाते हैं ठेकेदार और 26 दिन का सैलरी देते हैं, उसमें जो शासन के निर्देश हैं उसके हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है, क्योंकि बीच में इनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी सैंक्शन की जाती है तो छुट्टी के दिन का वेतन नहीं दिया जाता है।